हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आशा करता हूँ आज का आपका दिन प्रॉफिटेबल रहा होगा। अगर आपने हमारे दिए गए लेवल्स को फॉलो किया है तो आज का आपका दिन प्रॉफिटेबल रहा है, मैं ये जानता हूँ। अगर आपको ये दिए गए लेवल्स और ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, नॉलेजेबल रख रहे हैं और आप इससे पैसा बना रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा के रखिए, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ, हमारे टारगेट्स कहाँ पे हिट हुए हैं, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे हिट हुआ है और कल के लिए हम क्या प्लान ऑफ एक्शन लेके चलेंगे मार्केट्स में। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारे जो टारगेट्स हिट हुए थे, वो बैंक निफ्टी में हमारे दो टारगेट्स हिट हुए थे डाउन साइड में, और अप एक निफ्टी में हमारा अप साइड में स्टॉप लॉस हिट हुआ था। तो एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था और दो टारगेट हिट हुए थे, तो नेट मुझे लगता है कि आप प्रॉफिट में ही रहोगे। आशा करता हूँ कि आपने प्रॉफिट में ही आज क्लोज किया होगा। चलिए अभी देखते हैं हम कल के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, कल का हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा मार्केट में। चलिए मैंने आपके लिए लेवल्स पहले से ही ड्रॉ करके रखे हैं, तो आप ये लेवल्स को नोट डाउन करके रखिए। आपने देखा है ये लेवल्स के इम्पोर्टेंस बहुत होता है मार्केट में, जब एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट में बेरिशनेस दिख रही है, हो सकता है मार्केट कल साइडवेज या पॉजिटिव भी ओपन कर दे, पर साइडवेज के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं या तो वो बेरिश हो सकता है। ज़्यादा अपसाइड में मैं मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मेरे अपसाइड के टारगेट्स छोटे रहेंगे और डाउन साइड में मैंने टारगेट्स पर रखे, क्योंकि यहां से अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया तो हमें अच्छे खासे टारगेट्स नीचे की तरफ मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं क्या लेवल्स हैं हमारे आज के। तो अगर मुझे 19,000 अपसाइड में मुझे 19,376 से ऊपर प्रॉफिट प्राइस एक्शन के साथ एंट्री मिलती है तो मैं एंटर करूंगा इस ट्रेड में, वरना मैं एंटर नहीं करूंगा। ऑलराइट, मेरा पहला टारगेट जो होगा वो होगा 19,416 का, मेरा दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा 19,454 का, और मेरा तीसरा टारगेट जो होगा वो होगा 19,489 का। डाउन साइड में मेरी एंट्री होगी बिलो द लेवल ऑफ 19,222 और विद प्रॉपर प्राइस एक्शन, उसके पहले मैं एंटर नहीं करूँगा। मेरा पहला टारगेट जो होगा वो होगा 19,176 का, मेरा दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा 19,116 का, और मेरा तीसरा टारगेट जो होगा वो होगा 19,055 का। दोनों में मेरा जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो होगा, अपसाइड में मेरी स्ट्राइक प्राइस होगी 19,350 की कॉल की, और डाउन साइड में मेरी जो स्ट्राइक प्राइस होगी वो होगी 19,250 की पुट। ऑलराइट, चलिए अभी देखते हैं बैंक निफ्टी में हम कल के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में हम कल के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर बैंक निफ्टी 45,11,185 के ऊपर जाता तो हम थोड़ा अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं टू द लेवल्स ऑफ, जो हमारा पहला टारगेट होगा वो होगा 44,285 का, हमारा दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा 44,424 का, और हमारा तीसरा टारगेट जो होगा वो होगा 44,370 का। ऑलराइट, तो ये हमारे टारगेट्स हो गए फॉर अपसाइड। और डाउन साइड में देखते हैं, डाउन साइड में हमारा हमें 43,886 के नीचे ही एंटर करना है विद प्रॉपर प्राइस एक्शन, उसके पहले मैं एंटर नहीं करूँगा। मेरा पहला टारगेट जो होगा वो होगा 43,730 का, मेरा दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा 43,612 का, और मेरा तीसरा टारगेट जो होगा वो होगा 43,500 का। ये मेरे तीन टारगेट्स हो गए फॉर डाउन साइड। अपसाइड के लिए भी मैंने आपको टारगेट्स बता दिए हैं। प्राइस एक्शन स्ट्राइक प्राइस जो हम एंटर करेंगे फॉर अपसाइड वो होगी 44,100 की कॉल, और डाउन साइड में हम जो एंटर करेंगे वो होगी 43,800 की पुट, 43,900 की पुट। चलिए अभी देखते हैं फिन निफ्टी में हम कल के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिन निफ्टी में हमारा कल का प्लान ऑफ एक्शन ये होगा कि हम एंटर करेंगे अबाउ द लेवल ऑफ 19,712, इसमें हम एंटर करेंगे, उसके पहले हम एंटर नहीं करेंगे। ठीक है, मेरा पहला टारगेट जो होगा वो होगा 19,073 का, मेरा दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा 19,802 का, और मेरा तीसरा टारगेट जो होगा वो होगा 19,846 का। डाउन साइड में मेरी एंट्री होगी विद प्रॉपर प्राइस एक्शन, उसके पहले मैं एंटर नहीं करूँगा। मेरी एंट्री होगी बिलो द लेवल ऑफ 19,541, मेरा टारगेट वन जो होगा वो होगा 19,499 का, मेरा टारगेट टू जो होगा वो होगा 19,452 का, और मेरा टारगेट थ्री जो होगा वो होगा 19,407 का। स्ट्राइक प्राइसेस दोनों में
अपसाइड में मेरी स्ट्राइक प्राइस जो होगी वो होगी 19,700 की कॉल, और डाउन साइड में मेरी जो स्ट्राइक प्राइस होगी वो होगी 19,550 की पुट। तो ये है हमारे प्लान ऑफ एक्शन कल के लिए फॉर बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड फिन निफ्टी। देखते हैं ये प्लान ऑफ एक्शन कल मार्केट में काम करता है कि नहीं करता, और अगर नहीं करता है तो हम डिस्कस करेंगे क्यों नहीं किया। हम नहीं ट्राई करते कि हमारे जब स्टॉप लॉसेस हिट हो हम उनको छुपाए आपसे। तो जैसे आज मैंने बोला निफ्टी में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, तो निफ्टी में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, और बैंक निफ्टी में हमारे दो टारगेट सेट हुए थे। तो हम जनरली हमारे स्टॉप लॉसेस छुपाते नहीं है, क्योंकि ये गेम में कभी ना कभी आपको लॉस तो फेस करना ही है, और बस हमें यही ध्यान रखना है कि हम नंबर ऑफ टाइम्स और जो जो अमाउंट होती है वो हमारी ज़्यादा हो प्रॉफिट में कंपेयर टू जो हम लोग लॉस में लेते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल की वीडियो में, देखते हैं प्लान ऑफ एक्शन वर्क करता है कि नहीं करता, अगर नहीं करता तो क्यों नहीं किया वो डिस्कस करेंगे, और मंडे का प्लान ऑफ एक्शन एक रेडी कर लेंगे। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।